क्या आप आपके बालों को मजबूत करना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, या अपनी त्वचा पे जो भी फोड़े फुंसी है उन्हें हील करना चाहते हैं, तो आपकी रेमेडी आपके लिए है। ये तुलसी आप देख रहे हैं, ये एक पौधा है जिसे हम अक्सर धर्म और पूजा पाठ से जोड़ते हैं और हर घर में आसानी से, सभी हिंदू घरों में आसानी से मिल जाता है। हिंदुओं की मान्यता भी है कि तुलसी के पौधे पर नियमित जल भी चढ़ाना चाहिए, लाभकारी होता है। लेकिन सिर्फ धर्म कर्म ही नहीं बल्कि तुलसी की पत्तियाँ सौंदर्य को निखारने में भी काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं। हाँ जी, आपने सही सुना, तुलसी की पत्तियों में एक औषधीय गुण होते हैं। जब बात त्वचा को निखारने की आती है तो ये पौधा कई सारे विकारों से हाँ निजात दिलाता है, बालों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तभी इस पौधे में पत्तियों को तैयार हेयर मास्क बालों को शाइन बढ़ाने में मदद करता है। तुलसी की पत्तियों में कुछ अन्य ऐसे तत्व होते हैं जो हेयर मास्क तैयार किया जा सकता है। तो तुलसी से बनने वाले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी वीडियो में। तो बालों का जो मुख्य समस्या में से एक है वो डैंड्रफ है, जो डैंड्रफ को ये ढंग से क्योर करता है। ये मैंने कुछ तुलसी की पत्तियां ली हैं और मैंने इसमें इसको ग्राइंड नहीं किया, आप चाहें तो ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस देसी तरीके से इसे कूटा है। ये देखिए इस तरह से कूट जाती है, जैसे अपन अदरक कूटते हैं चाय में डालने के लिए। तुलसी हर समस्या को दूर करती है, चेहरे से, सर से रिलेटेड या स्कैल्प से रिलेटेड। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती है। देखिए कुछ अच्छे से पिस गया है ये, जैसे हमने ग्राइंडर में ऐड किया हो इस तरीके से हो गया है। स्कैल्प में डैंड्रफ पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दूर रखती है, बालों की देखभाल करती है। तुलसी एक बड़ा फायदा, बालों को झड़ना कम करती है। और ये मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, ये देखिए आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं इसी प्रकार से। और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के एक बाउल में आप डबल बॉयलर से हीट भी दे सकते हैं। मैंने यहीं पे इसको डायरेक्टली अप्लाई किया है, ये देखिए आप। एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है। आप इसको बहुत तरीके से सर में लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, स्केल्प में लगा सकते हैं, और अपने चेहरे पर भी कभी कभी फोड़े फुंसी होने पर इसको इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए आप, बालों का गिरना कम हो जाएगा। तुलसी हेयर मास्क से बालों का कई तरह से लाभ पहुंचाता है। कुछ हेयर पैक तैयार करने से तुलसी, ये देखिए आप, मैं इस पे बता रही हूँ, दाग धब्बों पे भी आप इसी तरीके से इसको कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से कॉटन की हेल्प, जहाँ पे आपको दाग धब्बे हैं, रैशेज हैं, ये एंटीबैक्टीरियल गुण इसके अंदर होता है, ये बहुत जल्दी हील कर देती है मुहांसों को। ये देखिए आप, इसी प्रकार से मैं इसको अप्लाई कर, सर में आप इस तरीके से पार्टीशन करते जाएं और इसको रुई की सहायता से, रुई की हेल्प से, कॉटन की हेल्प से इस तरीके से आप मसाज अपनी स्केल्प में इसके ऑयल से कर सकते हैं। देखिए आप किस प्रकार से मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसी प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए आप, जड़ों में इसका एप्लीकेशन करने से आपको डैंड्रफ से निजात मिलेगी, आपको बालों में ग्रोथ आएगी, पोषण मिलेगा बालों में एटलीस्ट। और ऑयल से तो बाल कितने अच्छे होते हैं आप सभी जानते हो, इस तरीके से आप इसको मसाज कर करके लगा सकते हैं। ये देखिए आप, इसको इस तरीके से ही लगाएं आप मसाज करके, इससे अंदर पेनिट्रेट होगा ऑयल और आपकी जड़ें मजबूत होंगी, बालों को पोषण मिलेगा। देखिए आप, अप्लाई कर लिया है मैंने और ये इसका रिजल्ट है। ये देखिए आप, इससे बाल में शाइनी हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। ये देखिए आप, ये देखिए कितने मैनेजेबल और कितने शाइनी बाल लग रहे हैं। किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप इसे वॉश कर सकते हैं, या बेबी शैम्पू का भी एप्लीकेशन आप बालों के लिए कर सकते हैं।